हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन आईएएस। आज का जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर एक एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सॉम 10 टॉपिक्स है, तो इन 10 टॉपिक्स का हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखेंगे तो हर एक टॉपिक के इक्वल वेटेज है मोस्टली। एक दो टॉपिक्स अगर छोड़े तो हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड द शियर स्ट्रेसेस इन द बीम्स, टॉर्शन ऑफ द शाफ्ट्स, थेरीज ऑफ कॉलम्स, थेरीज ऑफ फेलियर्स, थिन सिलेंडर एंड थिन स्पीयर। तो ये 10 टॉपिक्स का हम स्टडी करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेंथ्स, थोड़े बेसिक्स हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेंथ्स। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक पार्ट। इफ आई क्लासीफाई मैकेनिक्स, अगर मैकेनिक्स को हम क्लासीफाई करें तो कैसे क्लासीफाई करते हैं आप मैकेनिक्स को? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच इज क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप्स, वन इज स्टैटिक्स, अनदर इज डायनेमिक्स। ओके, तो स्टैटिक्स को मैं थोड़ा अलग रखता हूँ, पहले हम डायनेमिक्स देखेंगे इन शॉर्ट। सो आई विल राइट हियर डायनेमिक्स। लेट अस कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करें और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई किया एफ, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे दो अलग अलग कंसेप्ट हम देखेंगे, वन इज डिस्प्लेसमेंट, अनदर इज डिफॉर्मेशन। तो अप्लाइड फोर्स एफ की वजह से इस केस में वो बॉडी क्या हो जाएगी? सिर्फ डिस्प्लेस हो जाएगी, वो डिफॉर्म नहीं होगी, राइट? सो आई विल राइट दिस इज द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली, दैट मीन्स द बॉडी विल मूव, बॉडी का मोशन होगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ओनली केस, आई विल राइट डिस्प्लेसमेंट ओनली। Similarly, I will consider another case. In which I will apply two forces, a force F, एक साइड से मैंने फोर्स F apply किया और दूसरे साइड से मैंने फोर्स apply किया, that is F by 2. तो इस केस में, जैसे फर्स्ट केस में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट था, बॉडी का डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड से फोर्स मैंने अप्लाई किया है, तो F by 2 जो है, एक साइड से F by 2 और दूसरे साइड का जो F by 2 है, दूसरे साइड पे मैंने टोटल F अप्लाई किया है, लेकिन उसमें से F by 2 अगर आपने बाहर निकाला तो दोनों F by 2 की वजह से बॉडी का क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और जो रिमाइंडर F by 2 है उसकी वजह से बॉडी का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो आई विल राइट दिस F इन दिस वे, F by 2 plus F by 2, correct? Now, due to this F by 2 and this F by 2, there will be a deformation of the object, provided that it is a non-rigid body. Deformation कब होगा? जब वो body एक non-rigid body है। If I consider a rigid body, then obviously there will be no deformation due to the applied forces, but we have considered a non-rigid body, so due to this F by 2 there will be deformation of the body, and due to this remaining F by 2 there will be displacement of the body, displacement. So ye jo second case humne consider kiya hai, this is the case of displacement as well as डिफॉर्मेशन, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट प्लस डिफॉर्मेशन। सो बोथ दिस केसेस, विच केसेस? फर्स्ट केस वॉज द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली, एंड सेकेंड केस वॉज द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिफॉर्मेशन। बोथ, इन बोथ दिस केसेस द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी डिस्प्लेस हो गई है, बॉडी मोशन में है। सो बोथ दिस केसेस कम अंडर योर स्टडी ऑफ डायनेमिक्स। All right. This entire thing can be studied under dynamics.
नाउ वी विल कंसिडर द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स. स्टैटिक्स हम किसको बोलते हैं, राइट? आई होप आपको डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स में हम किस ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं वो आपको समझ में आया है. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द बॉडी और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन मोशन, राइट? डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट द बॉडी हैज़ टू डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन टू सम अदर पोजिशन. दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ डायनेमिक्स, द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन. फिर उसमें अलग अलग दो टाइप्स है, काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स, जहाँ पे हम सिर्फ अगर फोर्सेस का अगर स्टडी करें, द फोर्सेज ड्यू टू विच द बॉडी इज डिस्प्लेस, अगर सिर्फ फोर्सेज का स्टडी करें, ओके, देन दैट इज नोन एज काइनेटिक्स. और अगर हम बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जर्क, इन सब चीज़ों का अगर हम स्टडी करें, देन दैट इज नोन एज काइनेमैटिक्स. विल नॉट गो इन टू डिटेल्स, वो हमने ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा है. लेकिन बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो स्टडी है, दैट इज नोन एज मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज डायनेमिक्स. नाउ स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स, अब स्टैटिक्स में भी मैं दो केसेस कंसीडर करता हूं. देखिए यहां पे, लेट अस से आई एम हैविंग वन ऑब्जेक्ट, and if I apply a force F on one side and again force of F on another side. अब देखिए, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं रिजिड ऑब्जेक्ट कंसिडर करूँ, जैसे हमने पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने कंसिडर किए थे, दैट वॉज योर रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, राइट? मतलब जो बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने कंसिडर किए वो रिजिड बॉडी थी, मतलब अप्लाइड फोर्सेज की वजह से उस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा. सो स्टैटिक्स मतलब क्या, स्टैटिक्स का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द रेस्ट कंडीशन. अब इस केस में मैंने जो फोर्सेस अप्लाई किए, फोर्स एफ ऑन वन साइड एंड फोर्स एफ ऑन अनदर साइड, उसकी वजह से बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, द बॉडी इज एट रेस्ट. दिस इज द स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज. लेकिन बॉडी का यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दोनों साइड से मैंने फोर्स अप्लाई किया है, कॉम्प्रेसिव फोर्स मैंने अप्लाई किया है ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, बट the body is not getting deformed because it is which body? It is a rigid body. So this is rigid body mechanics or rigid body statics, हम इसको बोल सकते हैं. So I will write rigid. Now I will consider a similar case where the body is a non-rigid body. अगर non-rigid body होगी and if I apply a force F on one side and another force F on another side, and let us say this is a non-rigid body, तो इस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, बिकॉज फोर्स का तो सेम मैग्नीट्यूड है दोनों साइड से, लेकिन बॉडी का क्या हो जाएगा इस केस में? डिफॉर्मेशन हो जाएगा, देर विल बी डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी. सो दिस इज स्टैटिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, स्टैटिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज. सो आई विल राइट हियर, दिस इज द केस ऑफ, डिफॉर्मेशन ओनली, डिफॉर्मेशन ओनली, and this is what the study of strength of materials. Strength of materials इस subject में हम जितने भी objects consider करेंगे उन सभी objects का deformation होगा, but at static equilibrium condition. Static equilibrium condition का मतलब क्या, कि उस body पे जो net force act होगा that will be equal to zero, and उस object पे जो net moment act होगा that will be equal to zero. तो इस case में अगर आपने देखा, मैंने कोई भी अगर समेशन ऑफ फोर्सेस हमने कंसिडर किया, समेशन ऑफ फोर्स और द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा, ये एफ माइनस एफ दैट विल बी इक्वल टू जीरो. सिमिलरली अगर मोमेंट की अगर कंसिडर करें तो भी नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन दैट बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो. सो दैट इज योर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. आई विल राइट हियर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके. अब यहाँ पे ये जो केस हमने देखा था, दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, बट द बॉडी इज रिजिड, कोई भी डिफॉर्मेशन उस केस में बॉडी का नहीं हो रहा. सो वो उसका स्टडी जो है, ऐसे बॉडीज का स्टडी हमने ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किया हुआ है. समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, हम जो भी फोर्सेज थे वो फाइंड करते थे, रिएक्शंस फाइंड करते थे.
लेकिन सॉम में जो ऑब्जेक्ट्स का हम स्टडी करेंगे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे ही करेंगे, लेकिन इस केस में बॉडी का क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज नथिंग बट इट इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स हुज डिफॉर्मेशन ऑकर्स एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, और आई कैन राइट द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नथिंग बट योर स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। नाउ दिस डिफॉर्मेशन विच ऑकर्स, वो ऑब्जेक्ट का जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मे बी ड्यू टू फोर रीजन्स, चार रीजन है इसके, हम वो डिटेल में देखेंगे। आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम मैकेनिक्स को क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली हमने पहले डायनेमिक्स देखा, जिसमें सबसे मस्ट कंडीशन है बॉडी मस्ट बी इन मोशन, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, नॉट नेसेसरी दैट डिफॉर्मेशन मस्ट ऑकर। ओके, तो दो केसेस हमने डायनेमिक्स में ऑलरेडी देखे, दैट वर द केसेस ऑफ डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में भी जो दो केसेस देखे हमने, वन वॉज योर रिजिड बॉडी, अनदर इज योर नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का जो स्टडी है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में जो भी था। सेकेंड जो केस है हमारा, दैट इज अ नॉन रिजिड बॉडी, दैट इज ऐसे ऑब्जेक्ट का जो स्टडी है, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो फाइनली आई विल डिफाइन दिस एंड देन वील प्रोसीड फर्दर। आई विल राइट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी लेकिन एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, तीन कंडीशन से आपको पता ही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड द नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज, ये जो तीन कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट दिस कंडीशन इज नथिंग बट योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। नाउ द डिफॉर्मेशन विच ऑकर्स इन एनी ऑब्जेक्ट, इट मे बी ड्यू टू फोर रीजन्स, चार रीजन्स हो सकते हैं डिफॉर्मेशन के, कौन से रीजन्स है वो हम स्टडी करेंगे। नाउ दिस डिफॉर्मेशन मे बी ड्यू टू, फर्स्ट आई विल राइट, इट मे बी ड्यू टू एक्सियल फोर्स दिस डिफॉर्मेशन, सेकेंड मे बी ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स दिस डिफॉर्मेशन, मे बी ड्यू टू एक्सियल कपल, एंड दिस डिफॉर्मेशन मे बी ड्यू टू ट्रांसवर्स कपल। ओके, तो ये दोनों टाइप के जो फोर्सेज है वो हम देखेंगे, एक्सियल फोर्स ट्रांसवर्स फोर्स क्या होता है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस स्ट्रेंस में, इसी चैप्टर में अगला जो पार्ट है। उसके पहले हम थोड़ा बेसिक पार्ट देखेंगे, कपल, व्हाट इज अ कपल, हाउ डू यू डिफाइन अ कपल, कपल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कपल इज नथिंग बट इट इज अ मैकेनिकल क्वांटिटी, कपल इज विच क्वांटिटी, अ मैकेनिकल क्वांटिटी विच गिव्स रोटेशन टू द क्रॉस सेक्शन। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर कोई क्वांटिटी रोटेट कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। सो मैकेनिकल क्वांटिटी विच गिव्स रोटेशन टू द क्रॉस सेक्शन। नाउ इफ दिस रोटेशन, अगर कोई क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाए, इफ द क्रॉस सेक्शन रोटेट्स अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, देन इट इज नोन एज एक्सियल कपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। सो आई विल राइट हियर, ओके, डायग्रामेटिकली मैं दिखाऊंगा आपको ये टॉर्क। सिमिलरली इफ द रोटेशन ऑकर्स अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके, अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करूं, लेट अस से दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच वी विल कंसिडर, एक्स डायरेक्शन, वाई एंड जेड। तो एक्सियल कपल मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं,
दैट इज नथिंग बट रोटेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट विच एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी, यहाँ पे एक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क या फिर एक्सियल कपल. सिमिलरली इफ द रोटेशन ऑकर्स अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्स एक्सिस है, वन इज योर वाई एक्सिस, अनदर इज योर जेड एक्सिस. सो बोथ दिस आर योर ट्रांसवर्स एक्सिस. आई विल राइट हियर ट्रांसवर्स एंड दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल. Now, if the rotation occurs about the transverse axis, then such a type of couple is known as transverse couple, or it is also known as moment. इसको हम क्या बोलते हैं? Moment बोलते हैं. Moment. अब diagrammatically देखिए, कोई भी एक object हम consider करेंगे और देखिए कैसे cross section को हम rotate कर सकते हैं about longitudinal as well as your transverse axis. Now let us say this is the object. Now we will draw the coordinate system passing through this point. Let us say this is x. And this is y and z. Okay. Let us say this is the coordinate axis. Now if the rotation of the cross section is about the longitudinal. Longitudinal axis matlab kaun si? X axis. Then it is said to be axial couple. So if I represent here, right? So this is a rotation of the cross section about which axis? X axis. That is known as axial couple. या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? Torque. और टॉर्क का इफेक्ट हमेशा क्या होता है? टॉर्क रिजल्ट्स इन ट्विस्टिंग. टॉर्क रिजल्ट्स इन ट्विस्टिंग. सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टॉर्क. दो बोथ आर कपल्स, मोमेंट भी एक कपल है, टॉर्क भी एक कपल है, लेकिन दोनों के इफेक्ट्स अलग अलग है. टॉर्क रिजल्ट्स इन ट्विस्टिंग, वेरियस मोमेंट रिजल्ट्स इन बेंडिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. वो भी देखेंगे कैसे बेंड हो जाता है. सो आई कैन राइट दिस एक्सियल कपल विच इज अप्लाइड अबाउट which axis? Longitudinal axis. We can write it as mx, mx, or you can represent it simply by t. So mx or t, one and the same. Torque t. तो torque की definition आपको अभी समझ में आई होगी. Torque is nothing but a couple which is applied about which axis? Longitudinal axis. और टॉर्क का इफेक्ट क्या होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर? टॉर्क रिजल्ट्स इन ट्विस्टिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सिमिलरली वील सी ट्रांसवर्स कपल. ट्रांसवर्स कपल मतलब क्या? ऐसा कपल या फिर रोटेशन अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, दैट इज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. दो ट्रांसवर्स एक्सिस है हमारे पास, वन इज वाई और जेड, अनदर इज जेड. सो इफ द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑकरिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, देन इट इज नोन एज अ ट्रांसवर्स कपल, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं. So if I draw so firstly we will consider rotation about y axis. So this is rotation about transverse axis, that is y axis. So I will represent it as my. इसको हम कैसे represent करेंगे? My. Similarly, if the rotation is about z axis, तो वो हम represent करेंगे mz. That is rotation about which axis? अगर ये object है तो ये rotate हो रहा है, लेकिन axis कौन से axis के about ये rotate हो रहा है? That is z axis, so mz.
सो दिस आर बेसिकली थ्री डिफरेंट टाइप्स. इसमें जो एम वाई और एम जेड है, कोई भी आप एक कंसिडर, वो दोनों भी क्या है, मोमेंट है. बोथ आर ट्रांसवर्स कपल. अनदर इज योर एक्सियल कपल और टॉर्क. अब मोमेंट का अगर इफेक्ट देखेंगे तो मोमेंट का किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक ही इफेक्ट है, दैट इज बेंडिंग. मोमेंट रिजल्ट्स इन बेंडिंग. द इफेक्ट ऑफ मोमेंट इज बेंडिंग. सो इफ आई कंसिडर, अगर इसका समराइज हम करेंगे, आई कैन राइट टॉर्क results in twisting and moment results in bending. Okay, and both are types of couples which rotate the cross section. Not necessary कि दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा. टॉर्क का इफेक्ट अलग है, मोमेंट का इफेक्ट अलग है. टॉर्क का इफेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट ट्विस्ट हो जाता है. कैसे ट्विस्ट होगा देखिए, वो भी अगर हम क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें, लेट अस से अब इनिशियल क्रॉस सेक्शन कैसा था, लेट अस से ए बी सी एंड डी. तो जब हमने टॉर्क अप्लाई किया या फिर एक्सियल कपल अप्लाई किया अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो टॉर्क का इफेक्ट क्या हुआ, ट्विस्ट हुआ वो ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, ट्विस्ट हुआ. तो फाइनल अगर आप ड्रॉ करेंगे, राइट, सो ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश. So this is the effect of torque, that is twisting. Similarly, in case of bending, इसको हम subsequent chapters में और detail में study करेंगे. तो बेंडिंग में कोई भी एक मोमेंट आप कंसिडर कीजिए, कोई भी एक ट्रांसवर्स कपल कंसिडर कीजिए, आइदर एम वाई और एम जेड. सो वी विल कंसिडर एम जेड. तो मोमेंट या फिर ट्रांसवर्स कपल का इफेक्ट क्या रहता है, द ऑब्जेक्ट विल बेंड. So bending, correct. So basically हम deformation देख रहे थे कि किसी भी object का deformation static equilibrium condition में चार reasons की वजह से हो सकता है. One is axial force, transverse force, axial couple जिसको हम torque बोलते हैं, जिसका effect क्या होता है, twisting. And last is your transverse couple जिसको हम moment बोलते हैं, if the rotation is about ट्रांसवर्स एक्सिस, आइदर वाई और जेड एक्सिस, जिसको हम मोमेंट बोलते हैं, और उसका इफेक्ट क्या रहता है, बेंडिंग. ओके, सो दिस वॉज द बेसिक पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. कौन से टाइप के सपोर्ट्स होते हैं. सो राइट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. इसमें जो फर्स्ट सपोर्ट है, दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट. सेकंड, हिंज्ड सपोर्ट. थर्ड इज योर रोलर सपोर्ट. अलग अलग सपोर्ट्स के हम टाइप देखेंगे. तो ये तीन सपोर्ट्स का स्टडी करने से पहले हम ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ रिएक्शन फोर्स एंड अ रिएक्शन मोमेंट. ओके, सो आई विल राइट रिएक्शन फोर्स
एंड अ रिएक्शन मोमेंट. बिफोर स्टडिंग दिस रिएक्शन फोर्स एंड मोमेंट, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आई विल राइट द लॉ हियर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर व्हेन एवर वी आर स्टडिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज रिएक्शन. अब इसका मतलब क्या है? कोई भी एक सरफेस मैं अगर कंसिडर करता हूँ और ये फिक्स सरफेस है, फिक्स किया इस सरफेस को, और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, करेक्ट, एंड इफ आई अप्लाई सम फोर्स एक्सटर्नली. अब देखिए न्यूटन्स लॉ में एवरी एक्शन, इसका मतलब क्या है? एवरी एक्शन का मतलब क्या है? द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज और द मोमेंट्स. ओके, जो भी एक्सटर्नली फोर्स हम अप्लाई करते हैं या फिर मोमेंट अप्लाई करते हैं, दैट इज योर एक्शन. अब उस एक्शन को इक्वल एंड ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डेवलप रिएक्शन डेवलप हो जाएगा. अब यहाँ पे कोई भी फोर्स अगर आप अप्लाई करें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस केस में? लेट अस कंसिडर सम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. द सेल्फ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज लेट अस से W. सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग इज हाउ मच? F प्लस W. अब इस केस में वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, ओके, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि सरफेस को फिक्स किया हुआ है. इसका मतलब क्या है? वो नीचे ही नहीं जा रहा है. इसका मतलब क्या? नीचे से भी कोई एक फोर्स लगा रहा है. दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन विच इज डेवलप्ड बाय द सर्फेस, विच इज इन विच डायरेक्शन? इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. सो आई कैन राइट अ रिएक्शन इज डेवलप्ड हियर. आई विल राइट अ रिएक्शन इज ऑफर्ड बाय द सर्फेस एंड इट इज हाउ मच? इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्शन. एक्शन क्या था? F प्लस W, दैट वॉज आवर एक्शन. सो रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F प्लस W इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ पे देखने वाले हैं. रिएक्शन कब डेवलप हुई? व्हेन वॉज द रिएक्शन डेवलप? फर्स्ट थिंग, रिएक्शन तभी डेवलप होती है जब कोई एक्शन होगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन तब डेवलप होगी जब आप उस बॉडी के किसी भी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, व्हेन एवर यू विल रिस्ट्रिक्ट. अब इस केस में ऑब्जेक्ट का मैंने क्या किया? वर्टिकल मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया. वो बॉडी जो है दैट कैनॉट मूव इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स एफ. तो रिस्ट्रिक्ट किया, इसलिए वहां पे क्या डेवलप हो गया? रिएक्शन डेवलप हो गया. नाउ दिस रिएक्शन जो डेवलप हुआ है, इट कैन बी अ रिएक्शन फोर्स और इट कैन बी अ रिएक्शन मोमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन. रिएक्शन ये जो टर्म है कब डेवलप हुई? जब कोई एक्शन था. एक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर अप्लाइड फोर्स विच इज एक्सटर्नली अप्लाइड ड्यू टू द सेल्फ वेट, दैट इज योर एक्शन, और इट मे बी अ मोमेंट, एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट. अब इस एक्शन का जो ये हुआ है इसको रेजिस्ट करने के लिए, दैट इज योर रिएक्शन विच इज इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट वॉज योर डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन तभी डेवलप होगी जब कोई एक्शन होगा, और रिएक्शन तब डेवलप होगी जब उस ऑब्जेक्ट या फिर उस बॉडी का आप कोई भी मोशन क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे. यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द मोशन. जैसे इस केस में हमने वर्टिकल मोशन क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन. अब इस केस को अगर मैं ऐसा कंसिडर करता कि वो जो सरफेस था, जिस सरफेस के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, वो सरफेस फिक्स ही नहीं रहता, सिर्फ ऐसे रखा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन ऐसा कंसिडर करो कि इमेजिनरी एक सरफेस है. अब फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस कंसिडर मेरा हैंड है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया और मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है वर्टिकली. इस केस में रिएक्शन डेवलप हुआ है क्या? देर इज नो रिएक्शन डेवलप. दो देर इज एक्शन, यहाँ पे एक्शन है, लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं डेवलप हुआ. रिएक्शन क्यों नहीं डेवलप हुआ? बिकॉज द मोशन और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन.
अब रिएक्शन फोर्स कब डेवलप होगा? रिएक्शन फोर्स इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशन एंड रिएक्शन मोमेंट इज रिलेटेड टू रोटेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट करते हो तो वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा? रिएक्शन फोर्स। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का आप रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करते हो तो वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा? रिएक्शन मोमेंट। सो इफ आई राइट द डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन फोर्स एंड रिएक्शन मोमेंट, आई कैन राइट, हाउ कैन यू डिफाइन रिएक्शन फोर्स? रिएक्शन फोर्स ये कब डेवलप होगा? इट विल डेवलप when it will develop when displacement is restricted। displacement matlab translation। now displacement can be in horizontal direction, that is x direction, or displacement may be in y direction। to agar x direction mein aapne displacement restrict kar diya to wahan pe आर एक्स डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर वाई। सो रिएक्शन मोमेंट कब डेवलप हो जाएगा? इट विल डेवलप when rotation is restricted। so very very important definition। throughout पूरे जो subject है strength of materials, पूरे course में हम reaction forces, reaction moment से ही deal करेंगे, क्योंकि जो भी action रहेगी, किसी भी beam के ऊपर अगर कोई load apply करते हो आप, राइट, तो रिएक्शंस हम फाइंड करते हैं, मतलब वो एक्शन जो भी फोर्सेस अप्लाई किए, दैट वाज योर एक्शन, जो भी मोमेंट्स हमने एक्सटर्नल अप्लाई किए, दैट इज योर एक्शन, और उसको रेजिस्ट करने के लिए फिर क्या डेवलप हो जाता है उस बीम में? रिएक्शंस। अब रिएक्शंस कब डेवलप होंगे? जब भी कोई मोशन हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मोशन में दो टाइप्स है, वन इज आइदर योर ट्रांसलेशन, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, अनदर इज योर रोटेशन। अगर इन दोनों में से किसी को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर आपके रिएक्शन फोर्सेज एंड रिएक्शन मोमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। अब जो सपोर्ट्स के टाइप्स हैं हमारे, कोई भी अगर आप बीम कंसिडर करें और बीम के एंड्स पे हम बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट्स इस तरह से हमें प्रोवाइड करने हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये जो मोशंस है, आइदर ट्रांसलेशन और रोटेशन, इनको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट, इफ आई कंसिडर अ फिक्स्ड सपोर्ट तो देखिए क्या होता है फिक्स सपोर्ट। अब जब भी मैं फिक्स सपोर्ट बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि जितने भी मोशंस है वो सभी मोशंस हमने क्या कर दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए। लेट अस कंसीडर दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कोई भी एक बीम है और इस बीम के ऊपर आप कंसीडर कीजिए कि कोई भी एक फोर्स हमने अप्लाई किया है, लेट अस से फोर्स P, थीटा। नाउ दिस इज आवर एक्शन, ये क्या है, हमारा एक्शन है। अब मैंने क्या बोला था कि रिएक्शन कब डेवलप होगा? फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक्शन चाहिए तो एक्शन हमने ले लिया। सेकेंड कंडीशन वॉज यू मस्ट बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट द मोशन। तो देखिए फिक्स सपोर्ट में हम मोशन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। Let us say this is point A and this is point B. For example, point A पे मैंने एक support provide किया, जिसका नाम मैंने क्या रखा, fix support। Point A को मैंने fix कर दिया। So we'll draw it. तो point A को हमने fix कर दिया है।
नाउ फिक्स किया है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता. ट्रांसलेट मतलब द पॉइंट कैनॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने पूरा स्टॉप कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, पॉइंट ए रोटेट भी नहीं कर सकता, मतलब रोटेशन भी हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया. और मैंने बोला कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो उस पॉइंट पे क्या डेवलप हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स. और जब भी आप रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो उस पॉइंट पे क्या डेवलप हो जाएगा, रिएक्शन मोमेंट. तो फिक्स सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पे हम सभी डिस्प्लेसमेंट या फिर सभी मोशंस को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हो, मे बी इट ट्रांसलेशन, मे बी इट रोटेशन. सो एट पॉइंट ए टोटल कितने रिएक्शंस डेवलप हो जाएंगे, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में भी रिएक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा. सिमिलरली रोटेशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया तो रिएक्शन मोमेंट भी डेवलप हो जाएगी. सो आई कैन राइट आर वाई आर एक्स एंड मोमेंट, कौन सा एक्सिस क्या बोल रही है, जेड एक्सिस, सो एम जेड. सो थ्री रिएक्शंस आर डेवलप्ड, टू आर द रिएक्शन फोर्सेस एंड वन इज द रिएक्शन मोमेंट एट द फिक्स सपोर्ट. जब भी आप किसी पॉइंट को फिक्स करते हो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों को हमने क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है. और ट्रांसलेशन आपको पता है, ट्रांसलेशन कैन बी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन एक्स एज वेल एज वाई डायरेक्शन. सो दिस इज बेसिकली योर फिक्स सपोर्ट. सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज योर राइट हिंज सपोर्ट. सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज अ हिंज सपोर्ट. वॉट इज अ हिंज सपोर्ट, ओके, एक ही वर्ड आपको याद रखना है, एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है. हिंज सपोर्ट इज नथिंग बट रोटेशन इज फ्री, रोटेशन इज फ्री. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट रोटेशन इज फ्री, मतलब जब भी आप किसी पॉइंट पे बीम के किसी एक एंड पे जब भी आप हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, इसका मतलब वो उस पॉइंट पे क्या हो सकता है, उस पॉइंट के अबाउट क्या हो सकता है, वो रोटेट हो सकता है. इसका मतलब क्या है, रोटेशन इज फ्री, रोटेशन को आपने रिस्ट्रिक्ट किया नहीं है. इसका मतलब कि रिएक्शन मोमेंट अब वहाँ पे डेवलप नहीं होगी. देखिए जो सबसे टफ केस था वो क्या था कि एक एंड पे हमने पूरा सब क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोटेशन ट्रांसलेशन सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया. सो दैट वॉज योर फिक्स सपोर्ट. अब हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, इसको रिलीज करते जाएंगे. अब सेकेंड केस में हिंज सपोर्ट में हमने क्या किया, रोटेशन को फ्री कर दिया. सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज योर हिंज सपोर्ट, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, नाउ इट इज फ्री टू रोटेट, बट इट इज नॉट फ्री टू ट्रांसलेट इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन. वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता इन एक्स एज वेल एज वाई, तो डिस्प्लेस नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या डेवलप हो जाएंगे, रिएक्शन फोर्सेस. सो रिएक्शन इन y as well as x direction, okay. और action भी जो भी है आप देख सकते हैं, कोई भी आप लोडिंग कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे हम action के बारे में नहीं सोच रहे. Let us see again, your action is what, externally applied some load p, correct. So rotation is free to occur, rotation free है मतलब moment अभी वहाँ पे reaction moment develop नहीं होगा. तो मैं लिख सकता हूँ कि mz की जो value है इस case में कितनी हो जाएगी, zero. Now our third type of support is the roller support.
Now in roller support, we will free the restrictions. Okay, सबसे जो first case था, that was your fixed support, जहाँ पे सब restrict किया था. Second में rotation को free कर दिया. अब third में rotation भी free है, as well as horizontal displacement भी क्या कर दिया हमने, free कर दिया. So I can write in the roller support. Horizontal displacement is free. अब horizontal displacement अगर free होगा उस point का, तो horizontal direction में कोई reaction ही develop नहीं होगा. इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, Rx की value कितनी हो जाएगी, zero. Similarly rotation भी free है, rotation is फ्री. अब रोटेशन अगर फ्री है, इसका मतलब वहाँ पे कोई रिएक्शन मोमेंट डेवलप नहीं होगा. सो एम जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू जीरो. सो इफ आई ड्रॉ द बीम विथ अ रोलर सपोर्ट एट वन एंड, कोई भी अगर बीम कंसिडर करे और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो देखिए तो रोटेशन फ्री है. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फ्री है. फिर क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसलेशन और डिस्प्लेसमेंट इन विच डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, तो उसी डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाएगा वहां पे, रिएक्शन फोर्स. सो आई विल राइट रिएक्शन फोर्स इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट विल बी डेवलप्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन, आर Y. Okay, so very important again. Third type of support. इसके अलावा भी और एक support है जिसको हम क्या बोलते हैं, double roller support. तो वो भी हम study करेंगे. I'll write fourth double roller, or it is also known as guided roller support. Now if I draw the diagram, of double roller, so let us say, सो दिस इज द डबल रोलर सपोर्ट. एक्शन कोई भी कंसिडर कीजिए, कोई भी लोडिंग आप कंसिडर कीजिए. लेट अस से अ फोर्स पी एक्टिंग एट थीटा. अब इस केस में डबल रोलर सपोर्ट में कौन सा मोशन फ्री है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज फ्री टू ऑकर. सो आई विल सिंपली ड्रॉ लाइन यार. तो इस केस में क्या रिस्ट्रिक्ट किया है, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द रोटेशन ऑल्सो इन दिस केस. दैट इज बेसिकली जो डबल रोलर प्रोवाइड किया है. फर्स्ट केस में एक सिंगल रोलर था, वहां पे रोटेशन फ्री था, लेकिन इस केस में हमने डबल रोलर प्रोवाइड करके क्या किया है, रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट किया है. तो दो मोशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है हमने. वन इज द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिएक्शन मोमेंट डेवलप हो जाएगा. एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वहाँ पे आर वाई भी डेवलप हो जाएगा. सो इफ आई ड्रॉ सो आर वाई एंड सिमिलरली रिएक्शन विल डेवलप, दैट विल बी इक्वल टू एम जेड. एंड since the horizontal displacement is free to occur, value of Rx will be equal to zero. Okay, so basically these are the different types of supports. Beams ke case mein, alag alag beams ke jo ends hai,
वो हम बीम को कैसे सपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फोर सपोर्ट्स। वन इज योर फिक्स सपोर्ट, जहाँ पे हमने सभी मोशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इसीलिए वहाँ पे तीन रिएक्शंस डेवलप हो गई। उसमें से दो रिएक्शन फोर्सेस थे RX RY और थर्ड था आपका मोमेंट, रिएक्शन मोमेंट। सेकेंड वॉज योर हिंज सपोर्ट, जहाँ पे हमने क्या किया, रोटेशन को फ्री कर दिया, तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन मोमेंट डेवलप नहीं होगा, सिर्फ क्या डेवलप होगा, दो रिएक्शन फोर्सेस RX एंड RY। थर्ड टाइप में जो कि हमारा रोलर सपोर्ट था, वहाँ पे हमने रोटेशन को भी फ्री कर दिया और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को भी फ्री कर दिया, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट क्या किया हमने, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो एक ही रिएक्शन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, रिएक्शन फोर्स दैट इज़ RY। एंड लास्ट वॉज योर डबल रोलर सपोर्ट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, गाइडेड रोलर, जहाँ पे हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को अलाउ किया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रोटेशन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो दो टाइप के रिएक्शंस वहाँ पे डेवलप हुए, वन इज योर रिएक्शन फोर्स RY एंड अनदर इज योर रिएक्शन मोमेंट दैट इज MZ। ओके, सो नाउ यू हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स और रिएक्शन फोर्स एंड रिएक्शन मोमेंट्स क्या होते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की में आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली, रिएक्शंस कब डेवलप होते हैं ये भी हमने देखा कि कोई भी अगर मोशन रिस्ट्रिक्ट करे, एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज देर मस्ट बी सम एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी एक्सटर्नली अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तभी क्या डेवलप हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स, अलग अलग बीम्स के हम टाइप स्टडी करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टाइप का जो बीम है, आई विल राइट सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ व्हाट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, एक ऐसी बीम जहाँ पे एक एंड में हमने हिंज सपोर्ट लगाया है और दूसरे एंड पे हमने रोलर सपोर्ट यूज किया है, ऐसे बीम को हम क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसका जो है सिंपली सपोर्टेड बीम में हम दोनों साइड अगर हिंज सपोर्ट लगाते तो क्या हो जाता है, देखिए डायग्रामेटिकली देखेंगे, लेट अस से दिस इज द बीम। अगर कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे मैंने एक एंड पे, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, अगर मैं यहाँ पे भी कोई हिंज सपोर्ट लगाता, तो हिंज सपोर्ट कब यूज करते हैं हम, हिंज सपोर्ट इज यूज इन विच केसेस, जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों भी क्या है, रिस्ट्रिक्ट किया है आपने। अगर आप दोनों एंड्स पे हिंज सपोर्ट लगाते तो अगर कुछ टेम्परेचर चेंज होता है, ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस देर विल बी थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द बीम, और थर्मल स्ट्रेसेस अगर डेवलप हो जाएंगे तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने के कारण वो बीम क्या हो सकता है, आइदर इट कैन एक्सपांड और इट कैन कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्प्रेस हो सकता है। तो एक्सपांशन जब होगा तो वो जो पॉइंट है, पॉइंट बी फॉर एग्जाम्पल, दैट पॉइंट मस्ट गेट सम स्पेस टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू एक्सपांशन, और एक्सपांशन ये क्यों होगा, ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेसेस जो भी डेवलप हो जाएंगे या फिर थर्मल स्ट्रेस टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। तो इसीलिए पॉइंट बी पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रोलर, क्योंकि रोलर सपोर्ट के केस में, इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट एट पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज फ्री टू ऑकर, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्री होगा। सो आई विल रिमूव दिस हिंज सपोर्ट एंड आई विल प्रोवाइड अ रोलर सपोर्ट हेयर। करेक्ट, सो सिंपली सपोर्टेड बीम। आप मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा, तो पॉइंट ए पे अगर देखा तो वहाँ पे हिंज सपोर्ट है, करेक्ट, तो हिंज सपोर्ट के कारण वहाँ पे रोटेशन फ्री है इसलिए मोमेंट तो डेवलप नहीं होगा, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एज वेल एज वर्टिकल रिएक्शन वहाँ पे क्या होगा, डेवलप होगा। सो इफ आई राइट RY एंड RX, सिमिलरली पॉइंट बी पे अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्री है, रोटेशन भी वहां पे फ्री है,
तो पॉइंट बी पे कौन सा मोशन हमने रिस्ट्रिक्ट किया है? पॉइंट बी पे हमने रोलर सपोर्ट यूज किया है, सो वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो एक ही रिएक्शन वहां पे डेवलप होगी। अब इस केस में दो अलग अलग पॉइंट्स है, इसलिए हम इसको पॉइंट ए पे जो रिएक्शन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर ए वाई एंड दिस इज आर ए एक्स। सिमिलरली दिस विल बी आर बी वाई, करेक्ट। नाउ वी विल स्टडी वेदर द बीम इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। तो उसके पहले हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे इस केस में कितने अननोन से टोटल तीन रिएक्शंस आपको फाइंड करने हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको कितने फाइंड करने हैं? लेट अस से टोटल रिएक्शंस आर, दैट इज थ्री, एंड ऑल दिस थ्री टर्म्स या फिर ये जो तीन रिएक्शंस है आर ए एक्स, आर ए वाई एंड आर बी वाई, they are unknowns, we don't know their values, we need to find। यहाँ पे लोडिंग आप एक्सटर्नली एप्लाइड कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट अस से आई हैव एप्लाइड अ फोर्स एफ, क्योंकि रिएक्शंस तभी डेवलप होगी जब आप कोई एक्सटर्नली बीम के ऊपर कोई भी आप लोडिंग दिखाएंगे। तो कोई भी कंसिडर कीजिए, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस हियर। सो लेट अस से लोड पी एक्टिंग एट एनी एंगल थीटा। तो कितने अननोन्स है यहाँ पे? टोटल तीन अननोन्स है, वन टू रिएक्शंस एट पॉइंट ए एंड वन रिएक्शन एट पॉइंट बी। सो नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू थ्री। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे बीम्स का स्टडी करते हैं। वी कंसिडर द बीम अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास कितने इक्वेशंस है? टोटल तीन इक्वेशंस है। कौन से तीन इक्वेशंस है? समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बीम इन एक्स डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, एंड द नेट मोमेंट एक्टिंग इज इक्वल टू जीरो। सो वी आर हैविंग थ्री इक्वेशंस। लेट अस से ई इज इक्वल टू थ्री, ई इज द नंबर ऑफ इक्वेशंस। वॉट इज आर? नंबर ऑफ अननोन्स, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शंस, रिएक्शन फोर्स और रिएक्शन मोमेंट्स, कोई भी, लेकिन इस केस में रिएक्शन फोर्सेस ये। अब देखिए तीन अननोन्स है और वो तीन अननोन्स सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस है। सो दिस बीम बिकम्स अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। स्टैटिकली डिटर्मिनेट का मतलब क्या है? डिटर्मिनेट मतलब यू कैन डिटरमाइन द अननोन्स यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक्स, दैट इज योर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। मतलब इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशंस, उसका यूज करके आप ये तीनों रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं। सो सिंपली सपोर्टेड बीम इज द केस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। लास्ट में हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैं फिलहाल इतना ही लिखूंगा, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। एंड वाई इट इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम? बिकॉज नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज आर इज इक्वल टू ई। नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड टाइप ऑफ बीम, दैट इज कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम में बेसिकली क्या होता है कि एक एंड पे हम कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? फिक्स सपोर्ट। वी प्रोवाइड अ फिक्स सपोर्ट एट वन एंड ऑफ द बीम एंड अदर एंड इज फ्री। दूसरा जो एंड होता है दैट इज फ्री।
अब दूसरा एंड अगर फ्री है तो ऑब्वियसली वहाँ का जो ट्रांसलेशन है या फिर रोटेशन है वो तो हमने रिस्ट्रिक्ट किया नहीं, वो फ्री है, तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन वहाँ पे डेवलप नहीं होगा। रिएक्शन कहाँ पे डेवलप होगा है, जहाँ पे एक एंड जो है, जहाँ पे हमने क्या किया है, फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है। अगर फिक्स सपोर्ट है तो आपको पता है कि जब भी मैं फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ तो वहाँ का ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या आएगा, आर वाई, आर एक्स एंड मोमेंट एम जेड। ओके, सो दैट इज योर कैंटिलीवर बीम। अब बताइए वेदर दिस कैंटिलीवर बीम इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, तो कैसे फाइंड करेंगे, कितने अननोन्स है, कितने रिएक्शंस है यहाँ पे, तीन है, टू रिएक्शन फोर्सेज एंड वन रिएक्शन मोमेंट। सो आई कैन राइट नंबर ऑफ अननोन्स आर इज इक्वल टू हाउ मच, थ्री, तीन रिएक्शंस। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं, इस केस में भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तीन ही है, सो ई की वैल्यू भी कितनी है, थ्री। सो इन दिस केस ऑल्सो योर आर इज इक्वल टू ई, सो दिस कैंटिलीवर बीम इज ऑल्सो अ विच बीम, इट इज अ स्टैटिकली स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बीम इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, नाउ व्हाट इज अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब प्रीवियस केस में कैंटिलीवर बीम में हमने जो दूसरा एंड था वो क्या किया था, फ्री रखा था, लेकिन अब इस केस में प्रॉप्ड कैंटिलीवर में फ्री एंड जो था वहां पे हम कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, रोलर सपोर्ट। सो दैट इज द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। सो इफ आई ड्रॉ वन एंड ऑफ द बीम विल बी फिक्स्ड एंड अनदर एंड विल बी प्रोवाइडेड विथ अ रोलर सपोर्ट, तो बताइए यहाँ पे कौन से रिएक्शंस आएंगे। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, सो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, सो आई कैन राइट यार आर ए वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज आर ए वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर ए एक्स एंड मोमेंट एम जेड। पॉइंट बी पे आपने क्या प्रोवाइड किया है, वी हैव प्रोवाइडेड अ रोलर सपोर्ट, सो यहाँ पे एक ही रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा, दैट इज इक्वल टू आर बी वाई, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स देखेंगे वेदर अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट बीम। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अननोन्स आर कितनी है, कितने रिएक्शन है टोटल, तीन रिएक्शन फोर्सेस है आर ए एक्स आर ए वाई एंड आर बी वाई, और एक रिएक्शन मोमेंट है। सो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स इन दिस केस इज इक्वल टू फोर, और इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कितने है, ई इज इक्वल टू थ्री। तो देखिए चार अननोन्स है लेकिन इक्वेशंस कितने हैं हमारे पास, सिर्फ तीन ही इक्वेशंस है। ओके, तो इस केस में आप स्टैटिकली मतलब यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम यू कैन नॉट फाइंड द टोटल, जितने भी अननोन्स है वो आप फाइंड नहीं कर सकते यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो दिस बिकम्स अ केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स, क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। सो आई विल सिंपली राइट हेयर दिस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम इज अ स्टैटिकली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। वाई, बिकॉज इन दिस केस द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर, दैट इज आर, आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शंस, इसका मतलब क्या है, वो अननोन्स है, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स।
इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस विद अस, जो कि हमारे पास कितने है? तीन ही है इस केस में. सो इट बिकम्स अ केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम इज अ फोर्थ टाइप, फिक्स्ड बीम. अब फिक्स्ड बीम के केस में दोनों एंड्स में क्या प्रोवाइड करेंगे? फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. सो इफ आई ड्रॉ द फिक्स्ड बीम, तो टोटल कितने रिएक्शंस आएंगे इस केस में? एक एंड पे तीन रिएक्शंस, दो रिएक्शन फोर्सेस, एक रिएक्शन मोमेंट. दूसरे एंड पे दो रिएक्शन फोर्सेस, एक रिएक्शन मोमेंट. तो आप बताइए इस केस में टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? R इज इक्वल टू हाउ मच? सिक्स, क्योंकि यहाँ पे तीन आ जाएंगे और यहाँ पे तीन आ जाएंगे, करेक्ट. और मोमेंट यहाँ पे भी फोर्सेस और मोमेंट्स. सो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आर इज इक्वल टू सिक्स. टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने अवेलेबल है? सिर्फ तीन है स्टैटिक. सो अगेन योर नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. सो अगेन दिस इज अ केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट beams. Now in a continuous beam, if the number of continuous supports, if the number of continuous supports इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री. अगर कंटिन्यूस सपोर्ट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री है, ऐसे बीम को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस बीम. सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, देखिए कोई भी अगर एक बीम है, एक एंड पे क्या किया है हमने? फिक्स किया है. सेंटर में हमने यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया, फिर हमने एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया. सो द नंबर ऑफ सपोर्ट्स इफ इट इज कंटिन्यूसली, अगर हम सपोर्ट करते हैं बीम को अलग अलग अलग, जो भी बड़े बड़े बीम्स जो होते हैं उस केस में ज़्यादा सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है. तो फिक्स सपोर्ट, उसके बाद फिर रोलर या फिर से हिंज सपोर्ट अगर आप प्रोवाइड करते हो. इफ़ द नंबर ऑफ कंटिन्यूस सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, देन सच टाइप ऑफ बीम्स आर सेड टू बी कंटिन्यूस बीम्स. तो ऑब्वियसली आपकी कंटिन्यूस बीम भी अगर आप देखेंगे, इट इज़ द केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. तो आप इस केस में ऐसे बीम्स में अननोन्स ज़्यादा होंगे, मतलब रिएक्शन फोर्सेस और रिएक्शन मोमेंट्स की जो ये रहेगी न्यूमेरिक वैल्यू. फॉर एग्जांपल 5 to 6 अगर यहाँ पे इस केस का अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे कितने टोटल अननोन्स आ जाएंगे? देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगा, फिर मोमेंट आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन दोनों जगह पे. तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आर कितने हुए? आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and 5. सो 5, लेकिन इक्वेशंस कितने हमारे पास? 3. सो अगेन आर इज ग्रेटर देन ई, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. सो अगेन इट इज द केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. आई विल राइट इट इज द केस ऑफ statically indeterminate beam. Okay, so basically these are 5 types of beams. अब हम define करेंगे statically determinate and indeterminate beam को. आपको definition already पता है, लेकिन देखिए इसको words में हम कैसे put up करेंगे. So definition of statically डिटर्मिनेट बीम, हाउ कैन यू राइट? इफ द नंबर ऑफ अननोन्स, इफ द नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स इस केस में क्या है? आपके रिएक्शन फोर्सेज एंड रिएक्शन मोमेंट्स. सो आई कैन राइट इफ द नंबर ऑफ अननोन्स इन ब्रैकेट आई कैन राइट रिएक्शन फोर्सेस
एंड रिएक्शन मोमेंट्स. इफ द नंबर ऑफ अननोन्स इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. कौन से तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है हमारे पास अवेलेबल? इन ब्रैकेट आई कैन राइट समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो, एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो. इफ द नंबर ऑफ अननोन्स, अगर आपकी अननोन्स की जो वैल्यू है दैट इज रिएक्शन फोर्सेज और मोमेंट्स, दैट इज लेस और इक्वल टू, एटलीस्ट इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कि कितने हमारे पास? तीन है. सो आई विल राइट हियर ओनली ई इज इक्वल टू थ्री. देन सच अ बीम इज सेड टू बी, सच अ बीम इज सेड टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम. सो फॉर एनी बीम टू बी अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम आई कैन राइट द कंडीशन. कंडीशन क्या है? कंडीशन इज द नंबर ऑफ अननोन्स आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज ई. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम. एंड इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स इफ योर नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, देन सच अ टाइप ऑफ बीम इज ऑब्वियसली अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. ओके, सो दैट वॉज द बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. नाउ वी विल स्टार्ट विथ आर कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेंथ. लेकिन वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के हम थोड़ा समराइज करेंगे. वी विल समराइज दिस चैप्टर. देखिए क्या देखा पहले हमने. वी क्लासिफाइड मैकेनिक्स इंटू टू ग्रुप्स. वन वॉज डायनेमिक्स, जहाँ पे हमने बेसिकली सबसे जो मेन फोकस था दैट वॉज ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड सेकेंड वॉज योर द केस ऑफ स्टैटिक्स. स्टैटिक्स में भी हमने दो अलग अलग केसेस कंसिडर किए. एक हमने रिजिड बॉडी कंसिडर की. स्टैटिक्स मतलब जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इन एक्स वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, एज वेल एज द मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. और हमने रिजिड बॉडी कंसिडर की थी. रिजिड जब आप बोलते हो दैट मीन्स देर विल बी नो डिफॉर्मेशन ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज. सेकेंड वॉज द केस ऑफ नॉन रिजिड बॉडी, जहाँ पे हमने डिफाइन किया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को. तो सॉम में जो स्टडी करते हैं हम, वी कंसिडर द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी लेकिन वो बॉडी क्या रहेगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगी, उसका मोशन नहीं होगा. अब जो ये जो डिफॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट्स में, दैट मे बी ड्यू टू फोर रीजन्स, वो भी हमने कंसिडर किए. वन वॉज योर एक्सियल फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स, एक्सियल कपल जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, या फिर ट्रांसवर्स कपल जिसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट. देन वी डिफाइंड व्हाट इज अ कपल. कपल इज अ मैकेनिकल क्वांटिटी विच गिव्स अ रोटेशन टू द क्रॉस सेक्शन. नाउ इफ दैट रोटेशन इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देन इट इज नोन एज अ टॉर्क. एंड इफ दैट इज अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, दो टाइप के ट्रांसवर्स एक्सिस हमने देखे, वन इज वाई एंड अनदर इज जेड एक्सिस, देन दैट इज नोन एज अ मोमेंट. योर टॉर्क विल रिजल्ट इन ट्विस्टिंग, मोमेंट विल रिजल्ट इन bending. Then we saw different types of supports. We saw how the reaction forces and reaction moments develop. So reaction ki jo concept hai uska humne base liya, that was Newton's third law of motion. To every action, is case mein action kya hota hai? Externally applied forces and moments. So to every action there is always an equal and opposite reaction. रिएक्शन कब डेवलप होंगे उसके टू कंडीशंस थे. उसकी फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन थी कि कोई एक्शन हमें लेना चाहिए. एक्शन मतलब कोई भी फोर्स या फिर कोई मोमेंट अप्लाई करना चाहिए. सेकंड, यू मस्ट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसलेशन और द रोटेशन और बोथ. अगर आप जब रिस्ट्रिक्ट करते हो तब रिएक्शन डेवलप हो जाता है. तो सपोर्ट्स में हमने
चार टाइप के अलग अलग सपोर्ट देखे। फर्स्ट वॉज योर फिक्स सपोर्ट, जहाँ पे हमने सब कुछ रिस्ट्रिक्ट किया, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। इसकी वजह से जब भी आप फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करोगे तो उस पॉइंट पे देर विल बी नाइदर ट्रांसलेशन नॉर रोटेशन। तो तीन वहाँ पे रिएक्शंस डेवलप होंगी, उसमें से दो रिएक्शन फोर्सेज होंगे और एक रिएक्शन मोमेंट। सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट वॉज योर हिंज सपोर्ट, जहाँ पे हमने रोटेशन को फ्री कर दिया। तो वहाँ पे हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसलेशन और द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। तो वहाँ पे दो रिएक्शन फोर्सेज डेवलप हो गए। थर्ड वॉज योर रोलर सपोर्ट, जहाँ पे हमने रोटेशन फ्री कर दिया और उसके साथ हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो वहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स डेवलप नहीं होगा और रोटेशन फ्री है, इसका मतलब रिएक्शन मोमेंट भी नहीं रहेगा। हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल और वाई डायरेक्शन। तो वहाँ पे एक ही रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा, दैट इज आर वाई। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ सपोर्ट वॉज योर डबल रोलर और गाइडेड रोलर, जहाँ पे हमने सिर्फ हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को फ्री रखा और बाकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वहाँ पे हमने दो रिएक्शंस देखे। सो बेस्ड ऑन द सपोर्ट्स वी देन मेड द क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। उसमें हमने फर्स्ट टाइप की बीम देखी, सिंपली सपोर्टेड बीम। कितने टोटल रिएक्शंस थे, एक एंड पे हिंज सपोर्ट, दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्यों प्रोवाइड किया वो भी हमने रीजन देखा, ड्यू टू द एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। नाउ द टोटल नंबर ऑफ अननोन्स इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर आपने देखे तो वो कितने थे, टोटल थ्री रिएक्शंस, टू रिएक्शन फोर्सेज एट वन एंड एंड वन रिएक्शन फोर्स एट द अदर एंड, विच वॉज इक्वल टू आर नंबर ऑफ इक्वेशंस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दैट आर अवेलेबल विथ अस। सो दैट वॉज द केस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। सेकेंड टाइप ऑफ बीम वॉज योर कैंटिलीवर बीम, जहाँ पे एक एंड फ्री था और एक एंड हमने फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब वहाँ पे हमने पूरा रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वहाँ पे बेसिकली तीन रिएक्शंस डेवलप हो जाएंगे और अननोन्स कितने हैं, टोटल तीन इक्वेशंस कितने टोटल हमारे पास, तीन। सो कैंटिलीवर बीम वॉज ऑल्सो योर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। उसके बाद हमने देखा प्रॉप कैंटिलीवर बीम, जहाँ पे कैंटिलीवर का जो फ्री एंड है वहाँ पे हमने रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया। सो इस केस में नंबर ऑफ अननोन्स मतलब रिएक्शन फोर्सेज और मोमेंट्स कितने हो गए, चार, लेकिन इक्वेशंस तीन ही है। सो दैट इज अगेन द केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम वॉज योर फिक्स्ड बीम, जहाँ पे दोनों एंड्स हमने फिक्स कर दिए। ऑब्वियसली नंबर ऑफ अननोन्स वॉज इक्वल टू सिक्स, इक्वेशंस कितने हैं, तीन। सो अगेन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। And last was your continuous beam. If the number of continuous supports is greater than or equal to 3, then such a beam is said to be a continuous beam. And again, it is a statically indeterminate beam. And lastly, we defined a statically determinate beam. If the number of unknowns, that is reaction forces and reaction moments, if it is less than or equal to the number of equilibrium equations, then such a type of beam is said to be a statically determinate beam. Otherwise, it is a statically indeterminate beam. Now we will begin with our first chapter of strength of materials, that is normal stresses and strengths.